Assalamualaikum my YouTube friends and family, hopefully आप ठीक होंगे और मजे में होंगे। मेरे आज के ब्लॉग में आप देखेंगे दुबई का मेन एरिया। कौन सा डेरा? डेरा दुबई, ठीक है। डेरा दुबई में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, हमारे एरिया सबसे तो सस्ता है। अगर बंदे ने शॉपिंग करनी हो वहाँ पे आपको पाकिस्तानी इंडियन ड्रेस बड़े लो रेट पे मिल जाते हैं। और क्या क्या होता है? मोबाइल अच्छे रेट पे मिल जाते हैं, बच्चों के टैबलेट मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी की चीजें मिलती हैं। आप यूएई में हैं, दुबई में हैं और आपने डेरा का विजिट नहीं किया तो फिर बस खर्चा ही किया आपने आके, तो मस्ट विजिट डेरा। ये बताएं, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैंने अपना हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करवाया है, हाइलाइट्स करवाए हैं और मेरे साथ है वन एंड ओनली माय हस्बैंड वसीम मलिक। एंड हेलो बेबी, बेबी इज बिजी, She's drinking. What are you drinking, Farwa? Avocado milkshake. तो जनाब चल के बताते हैं क्या सीन है, क्या क्या होता है वहाँ पर। शॉपिंग कोई नहीं हमने करनी, सीधी दे साफ कर, खर्चा नहीं मैं करवाती अपने हस्बैंड का, क्यों वसीम है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह। ना भी होता, मैंने सस्ती से सस्ती डील खानी होती है, कोई 15-14 वाली मैक्सिमम। या फिर 5 दिरहम का शवारमा हो गया, इस तरह की चीजें, लेकिन खर्चा नहीं करना। यही जनाब, ये रहा अलबशा 2, ठीक है। बंगले चक्कर है, बंगले मतलब के बस कुछ ना कुछ, ये चक्कर। ये न्यू बना है, ये अभी न्यू बना है, झूमर शूमर सब लगा लगू के। सिग्नल नहीं तोड़ सकते, मैंने इवन सीट बेल्ट नहीं पहनी। और ये देखिए, ये मैं कहती हूँ क्या उसने बना छोड़ा। कोई विला मैंने नहीं छोड़ना है जनाब, ये चेक करें, ये बस बस एंड है। बालकनी चेक करें, जैसे सलमान खान ने इधर से निकलना है। इतने हसीन दरवाजे हैं इनके, ये देखे जनाब, इमार दुबई, इमार दुबई। और ये सारी इमार की बिल्डिंग्स है, तो बुर्ज अल खलीफा भी इमार की है ना उसी। उस पास से बढ़िया बढ़िया तारा, यहाँ पे सारी की सारी वायरिंग अंडरग्राउंड होती है, ठीक है। ये जो फैक्ट्री एरिया होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी एरिया होता है, सिर्फ यहाँ पे ही आपको वायर नजर आएंगी, वरना आपको इस साइड पर देखे कोई आपको वायर नहीं नजर आनी, ठीक है। दूर दूर तक नहीं नजर आनी, मैं सच्ची कह रही हूँ। इनकी जो लाइट्स भी है ना, ये स्ट्रीट लाइट्स, ये भी सारी सोलर पैनल पर होती है। ये देखें जनाब, ये स्कूल बस या किसी स्टाफ बस आई थी। आपको इस साइड पे सारे के सारे खंबे मिलेंगे बिजली के, इस साइड पे आपको कोई चीज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला एरिया जो है वो पॉश एरिया है और फुली फर्निश्ड है, तो इस एरिया में कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि ये स्टाफ बस है, देखिए स्टाफ है। तो वो जनाब जो मैंने आपको दिखाई है स्टाफ बस और स्कूल बस, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको दुबई की बसेस ना दिखाऊं। ये दुबई की आरटीए बस है, किसने इसके अंदर भी सैर करने जाएंगे, पब्लिक बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बाकी यहाँ पर ट्रेन भी चलती है, ऊबर भी चलती है, हाला टैक्सी भी चलती है और टैक्सी एंड मेट्रो भी चलती है। ये वो बिल्डिंग है, अगर 14 फरवरी है वैलेंटाइन डे, तो ये पूरी बिल्डिंग में हार्ट बना, इतना प्यारा बनाते हैं। कोई कोई फेस्टिवल है तो उस फेस्टिवल की डेट के हिसाब से यहाँ पे कुछ ना कुछ बना देते हैं। जी तो जनाब, ये देखिए सिग्नल
चैनल देखते हैं, व्हाट अ सनी डे। इस सनी डे ने सारे ने सपने पाए हुए हैं। इतनी गर्मी, एंड दिस इज दुबई मॉल। ये दुबई जमीन, वाइज जमीन उसी जमीन वाले पे बड़ी एक चीज़ की क्रियोसिटी है कि मैं बस किसी भी तरह ना चली जाऊँ इस जगह पर, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतने ना रिसोर्सेज नहीं है। अभी आएगा, अपना टाइम आएगा। मुझे आपको दिखाना है जनाब, ये ऊपर मेट्रो स्टेशन है, ये देखें, ये सारे मेट्रो स्टेशन सेम ही डिज़ाइन किए, एंड दिस वन इज माई फ्यूचर डेस्टिनेशन, इज रियली दिस वन। कैमरा में पता नहीं आप लोग कैसा फील करोगे, बट इट इज अमेजिंग। जब ये बिल्डिंग बन रही थी ना, उस टाइम भी लग रहा था पता नहीं क्या होगा क्या होगा, बट वाओ, छा गए भाई दुबई वालों। ये वाली जो है ना, ये वाली, ये दुबई की सबसे पहली बिल्डिंग है सर ना। इस वाली बिल्डिंग को देख के ना मुझे याद आया अपना वो सीम, वो जो वेदर का वो था लाहौर में। हाँ, वेदर की बिल्डिंग जो है ना हमारे घर होती है ऐसी, उसके ऊपर भी ऐसे गर्ल्स है, गर्ल्स है, गर्ल्स है बना हुआ। अच्छा, म्यूजियम ऑफ आर्ट के बारे में मैं क्यों इतनी ज्यादा क्रेजी हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी की है, एंड आई एम जस्ट लविंग। इसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। नॉट ओनली दैट कि ये एक म्यूजियम है और इसमें सिर्फ चीज़ें शो ऑफ के लिए रखी हुई हैं, नहीं, इसके अंदर जो है रियल एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं फ्यूचर के हवाले से। डिफरेंट आपकी स्पीशीज उन्होंने ली हैं और उनको कोऑर्डिनेट करके कुछ थर्ड स्पीशीज जनरेट की है। जो कि रियली मुझे देखना है, पर्सनली जाके देखना है, आप डिफरेंट वीडियोज उठा के देख लें, वो एक्सपीरियंस नहीं आपको होगा जो आप खुद जाकर देखेंगे। टिकट के प्राइस 275, एंड ले जाने वाला बंदा भी 275, तो हो गया ना कोई 700 बन गया, 750 नहीं जा सकते। एंड जनाब ये है यहाँ के शेख राशिद। ये बिल्डिंग का कॉरिडोर खुद ही मूव होता है, ऊपर जो कॉरिडोर है। यस, एंड ये वाली जो बिल्डिंग है वो हॉरिबल, ये कॉरिडोर खुद ही मूव होता है। ये जो कॉरिडोर है ना, इसका ये खुद मूव होता है। मौसमी हालात से आगाह किया जा रहा है आपको, और ये मैं बटन प्रेस करना भूल गई थी, इस बिल्डिंग की बिल्कुल बारिश आ गई। मैंने सेम इसी तरह के नक्शे पे आपका लाहौर भी बना है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है क्योंकि हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं। अगर जनाब हमारी आवाम मेंटेन करने लग जाए, ट्रस्ट मी, सेम ऐसे ही हो जाएगा। वैसे लाहौर से छोटा है दुबई एक्चुअली, है ना, मुझे लाहौर बहुत बड़ा है, दुबई बहुत ज़्यादा। एंड देखिए, ओह माय गॉड, इट्स मेट्रो। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं फर्मा के साथ आई थी मेट्रो स्टेशन पे। एक चीज़ यहाँ पे जनाब, अगर आप जो है ना, अगर आपने यहाँ पे थोड़ी सी भी देर की ना बड़े रोड पर, तो आपको पीछे से हॉर्न पड़ेगा, और हॉर्न पड़ने का मतलब समझे कि आपको गाली पड़ी है। इतनी वेट करते लोग, नो मर्सी, नो मर्सी। हाँ, मैं बता रही थी दुबई म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, तो उसमें ना बड़े बड़े मजे के सीन है। एक तो उसमें ऐसा रूम है जिसके अंदर आप जाके लेट जाते हैं, एंड ऑपोजिट है सब कुछ, ठीक है, आपके पूरी ऐसे छत की जगह टाइप बनाई हुई है, जैसे आसमान नीचे है और ऊपर की तरफ पूरा एक पूल है, उसमें लहरें आती हैं, वाइब्रेट होती हैं। अब वो कैसा है क्या है,
आई रियली विश कि मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाए, मेरी पेमेंट्स आनी शुरू हो जाए, तो फिर मैं आपको ना ऐसी जगहों की विजिट करवाऊँ टिकट खरीद कर अपने पैसे, अपने यूट्यूब के पैसों से। इसलिए मुझे यस, एंड वहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारे नई नई एक्सपेरिमेंट्स है, कार है, बहुत ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी की, मतलब जो फ्यूचर होने वाला है ना आफ्टर 20 ईयर्स और 2050, वो सारा जो है ना सब कुछ वहाँ पर है। एंड आगे और भी आता जाएगा क्योंकि दुबई में लोग फ्री नहीं बैठते, ठीक है। यहाँ पर हर कोई जॉब पे होता है, हर कोई सैलरी पे होता है और उसको काम करके देना होता है, प्रोडक्टिविटी करनी ही होती है, वरना हमें आपकी ज़रूरत नहीं है भैया। अगर तो बैठ के खाना है ना घर पे, जो है वो बहनें आपको रोटी देती हैं, कपड़े धो के देती हैं, आपको चादरें सेट मिलती हैं कि भाई आ जा भाई सो जा, तो वो दुबई ना आओ। आप आओगे अपनी अम्मी का जेवर गिरवी रख के और फिर जनाब आप जब आपको कुछ सारे काम करने पड़ेंगे जिसकी आप आदत नहीं है तो आप वापस चले जाओ। तो यहाँ पे काम करना पड़ता है, अगर यहाँ पे टिकना है तो काम करो, वरना वरना घर जाओ, है ना फरवा। एंड ऑल्सो फरवा इज डूइंग दैट, अपना बेड ठीक करती है, अपने टॉयज अरेंज करती है एवरी डे, अपने नाश्ते के बाद डिशेज वॉशिंग में डालती है और पूरा सेटअप करती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को भी सिखाएं अपने, और होमवर्क भी करती हैं, अपने बच्चों को भी ये सारी चीज़ें सिखाएं और उनको जो है ना प्लीज़ 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 स्पेशली अपने बेटों को ऐसा बनाएं कि वो हर काम कर सके, ये नहीं कि ये बहन ने करना है ये मैंने नहीं करना। बेटी और बेटा दोनों बराबर होते हैं, बल्कि बेटियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं। आई प्रेफर बेटियाँ क्योंकि जो है माई डॉटर इज नॉट अटेंशन, शी इज इक्वल टू 10 सन्स। एंड मैं अक्सर अपने इंस्टा के कैप्शन पे भी यही लिखती हूँ कि यहाँ पर पहुँच गए हैं बट हमें पार्किंग नहीं मिल रही, पार्किंग फुल है एंड कोई चांस भी नहीं है पार्किंग का, आगे है बट वो डिसेबल पार्किंग शायद है। यहाँ पर हर पार्किंग में एक पार्किंग या दो पार्किंग डिसेबल पार्किंग होती है, जो लोग नॉर्मल नहीं होते स्पेशल होते हैं तो उनके लिए स्पेशल गाड़ियाँ होती हैं, स्पेशल जगह होती है हर पार्किंग में। और जनाब हमें ये पार्किंग मिल गई और हमारी खुशी की इंतहा ना रहते हुए क्योंकि हमारी हैप्पी नाउ फाइनली मेट्रो में आ गया तो ओके चलो चलो कुछ नहीं इसमें। अच्छा जनाब अब मैं जा रही हूँ बाहर, ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का पूरा व्यू। वैसे गर्मी बहुत है लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अभी एग्जैक्टली बिहाइंड मी दिस वन, दिस बिल्डिंग, ये देखिए जो सारा का सारा व्यूज है ना, मैं आपको सारे दिखाती हूँ, बट मेक श्योर ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस बना सकूँ और उसके साथ जो है एजुकेशनल वीडियोस बनाने का भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए। इस टाइम बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी इसलिए नहीं कि ये डेजर्ट पे बनाया है, उसके अलावा इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर हर जगह एयर कंडीशनर है, ठीक है, इनडोर सारी जितनी भी जगह है बिल्डिंग की, जितने भी क्या कहते हैं ऑफिस होते हैं घर होते हैं सब जगह एसी है और उसके आउटर सारे बाहर है, तो मोस्टली दुबई में जो हीट है ना वो इस वजह से ज़्यादा होती है। नाउ लुक एट दिस, दिस बेबी गर्ल इज डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अभी ये देखो ये रहा एग्जैक्टली, इसके नीचे मेट्रो स्टेशन है, फिर उसके बाद सारा आप देखो मेट्रो स्टेशन नहीं बेटा आज गाड़ी में आए हुए हैं। ये देखिए बायब्लॉस होटल, ठीक है, बायब्लॉस होटल का जो है ये सबवे है पूरा। जी तो जनाब मैंने अब आपको दिखा दिया है कि मेन जो जगह है वो क्या है, और इस टाइम मैं सामने खड़ी हूँ अल दुर्रा टावर के, ठीक है। अल दुर्रा टावर ये इस तरह से प्लाजाज और टावर्स बने हुए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हाँ जी क्या फरमा बेल आइकन कहूँ तो फिर क्या होगा उफ।
फरवा बेटा मूसा जो है वो चाइल्ड आर्टिस्ट है बेटा, और साथ कौन कौन होता है? जमजम एंड आपी।